मंडल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो कि आप लोग भी देखे होंगे, कहीं पर रेल में सवारी किए होंगे या रेलवे स्टेशन पर गए होंगे, यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि स्टेशन के किनारे या कहीं भी पटरी के किनारे जहाँ पर जो है फाटक लगा रहता है, वहां पर लाल रंग का जो है सिग्नल लगा रहता है। आखिर ये क्यों लगा रहता है, इसका रीजन क्या है, यही सब बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें ये होता है कि लाल रंग का जो है ना बिखराव बहुत ही कम होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये जो है रेलवे पटरी है, क्या है, रेलवे पटरी, और बगल में क्या लगा है, लाल रंग के सिग्नल लगा हुआ है, जो ये लाल रंग के जो है रोशनी इसमें जल रहा है। देखिए, तो लाल रंग की जो है रोशनी जो है ना, यानी लाल रंग के प्रकाश का जो है बिखराव बहुत ही कम होता है। बिखराव के मतलब होता है फैलाव, यानी प्रकीर्ण जिसको कहा जाता है, और जितने भी कलर है सबको जो है फैलाव बहुत अधिक होता है, तो दूर से जो है ये दिखाई नहीं देता है, परंतु लाल रंग एक ऐसा रंग है जिसको जो है फैलाव बहुत ही कम होता है, यानी बिखराव इसके बहुत ही कम होता है प्रकीर्ण, और इस कलर को जो है ना लाल रंग के कलर को दूर से भी देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है लाल रंग का फैलाव बहुत ही कम होता है, इसीलिए जो है ना रेलवे सिग्नल में जो है लाल रंग के रोशनी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि ट्रेन इधर से आ रहा है, और ट्रेन जो आते हैं पूरे ये स्पीड में रहता है ना, और कोई जो है फाटक को पार कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये जो है देखा नहीं, दूर में जो है रेल जो है इधर से आ रहा है और यहाँ से जो है ये क्रॉस कर रहा है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर क्या होगा, तो दिखाई नहीं दिया, जब तक ये क्रॉस कर रहा है तब तक क्या हो गया, ट्रेन सामने आ गया, इसको जो है कुचल करके चला गया। तीसरी से बचने के लिए जो है ना थोड़ा दूर में हट करके जो है एक सिग्नल लगा दिया जाता है, ताकि ये देख करके समझ सके कि ये जो है ट्रेन इधर से आ रहा है। जब ये लाल रंग के जो है रोशनी जलता है सिग्नल में, इसका ये संकेत रहता है कि ट्रेन जो है उस पटरी पर अभी आ रहा है या आ चुका है या आ रहा है। अगर ट्रेन आ रहा है तब जो है ये लाल रंग की रोशनी ऑटोमेटिक जो है जल जाती है, और अगर ट्रेन चले जाती है, अगर किसी प्रकार का ट्रेन जो है उस पटरी पर नहीं अभी आ रहे है, यहाँ पर जो है ना हरा या नीला रंग की जो है रोशनी जलने लगता है। इसका ये संकेत है हरा रंग की रोशनी का कि लाइन जो है ना अभी पटरी का लाइन जो है पूरे क्लियर है, यानी साफ है, और यहाँ से जो है आप लोग जा सकते हैं। इसीलिए जो है लाल रंग की रोशनी का प्रयोग जो है रेलवे सिग्नल में किया जाता है, जो आप लोग देख सकते हैं इधर से ट्रेन जो है आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है लाल रंग की रोशनी का प्रयोग किया हुआ है, यानी यह जल रहा है। तो यही सब जो है कारण, इसी सब के कारण जो है लाल रंग के प्रयोग किया जाता है। आखिर मतलब जो है हमेशा जो है ना यहाँ पर कोई ना कोई प्रकाश जो है, कोई ना कोई बत्ती जलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। लाल रंग जो है सिर्फ खतरा के समय जलता है, यानी कोई ट्रेन जो आ रहा है उसी समय जलता है, और बाद बाकी जो है हरा या नीले रंग के जो है प्रकाश जलता रहता है, और इसका ये रीजन है कि जो है अभी लाइन पूरे क्लियर है, आप लोग आ जा सकते हैं, और आप लोग जो है कभी भी कहीं पर जाते हैं, अगर रेलवे फाटक को अगर हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं या पार कर रहे हैं रेलवे फाटक को, तो सबसे पहले ये देख लेना है कि बत्ती जो है जल रहा है या नहीं, किस रंग में जो है ये जल रहा है, लाल है या हरा है। अगर लाल रंग की रोशनी में अगर जल रहा है बत्ती, तो जो है फाटक को क्रॉस नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही फास्ट ट्रेन होता है, क्योंकि अभी जो है ना सब जो है बड़ी लाइन हो चुका है ना, छोटी लाइन का तो जो है ट्रेन है नहीं, पहले छोटी लाइन जो थे तो वो धीरे धीरे चलते थे, परंतु अभी के समय में जो है पूरे बड़ी लाइन हो चुका है, सुपर फास्ट ट्रेन सब है, ये सब जो है बहुत ही स्पीड में जाती है, जब तक हम क्रॉस करेंगे तब तक इधर से क्या होगा, आ करके कुचल करके चला जाएगा। तो इसीलिए आप जो है अपने जीवन से, अपने जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कीजिएगा, और बत्ती को देख करके जो है आप रेलवे फाटक को क्रॉस कीजिएगा। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।